जी जय हिंद भाई, दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। आप देख रहे हैं सागर इलेक्ट्रॉनिक लाइन चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास लुमिनस का इको वोल्ट 700 VA का इन्वर्टर आया है, जिसमें प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं। ये चार्जिंग और मेन दोनों साथ में शो करता है बिना कोई इसे AC वोल्ट दिए, यानी कि अभी ये अडेप्टर पे कनेक्ट है 12 वोल्ट, और ये मेन और चार्जिंग दोनों का इंडिकेशन शो कर रहा था। तो दोस्तों, इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, जो इसका कार्ड है वो 99% SMD सर्किट है, मतलब कार्ड है, और इसके जो मॉस्फेट हैं दोस्तों वो भी SMD में ही दिए हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी मैंने इसका टॉप कवर हटा लिया है, और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये इसका कार्ड है, और यहाँ पर दोस्तों फिजिकली डैमेज दिख रहा है हमारे लिए। देखिए, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव 12 वोल्ट की हमारी बैटरी वाली तार है, यहाँ पर कार्बन आ चुका है बहुत बुरी तरीके से, देख सकते हैं। दोस्तों, इस कार्ड को हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और हमारा जो कार्ड है वो कितने परसेंट डैमेज हुआ है, कितने परसेंट इसने कार्बन ने उसे जकड़ा हुआ है। दोस्तों, तो ये देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी ट्रैक इसके नीचे होंगे और वो ट्रैक आपस में इनने शॉर्ट भी किए होंगे। दोस्तों, तो इसे पहले बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या तरीका सही रहेगा और ये कैसे ठीक करेंगे। तो ये मैं दोस्तों इसके सारे जम्पर और ड्रेन वायर सारे ही ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कार्ड बाहर आ जाए। सारे पेंच खोल लेंगे इसके, ये हमारे खुल चुके हैं, और इसके बाद में ये हमारा कार्ड बाहर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये SMD पैकेज में है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन कितनी बुरी तरीके से आई है। देखिए, पहले इसे ब्रश से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों देखेंगे इसमें क्या करना है। दोस्तों, उससे साफ़ करने के बाद में एक बारी जहाँ पर ये हमारा कार्बन है, इसकी सॉर्टिंग निकालने के लिए इसे पेट्रोल वॉश करेंगे। देखिए, कार्बन आपके लिए दिखा देता हूँ, देखिए लिक्विड फॉर्म में हो गया है ये कार्बन। देखिए दोस्तों, अभी हम इसे पेट्रोल वॉश करेंगे, देख सकते हैं ये हो चुका है। दोस्तों, अभी हमारे पास लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट नहीं आ रही इसलिए हमारी SMD हीट मशीन नहीं चल पाएगी, तो इसीलिए मैं इसे अभी थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगा वॉश करने के बाद। देखिए, ये वॉश सूखने के बाद में आ चुका है, और आने के बाद में दोस्तों अब हम इसे इन्वर्टर में असेंबल करेंगे और देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई या नहीं। देखिए, ये मैं इन्वर्टर में एक बार इसे असेंबल करने लगा हूँ। सारे जैक लगा लेंगे और सारे ड्रेन वायर और सब कनेक्टरों को लगा लेंगे, डिस्प्ले पैनल उनल ये हमारे लग चुके हैं। दोस्तों, ये लगने के बाद में दोस्तों इसे देखिए, मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हुआ। ये क्या दोस्तों, ये ऑन होने के बाद में दोस्तों इसमें मेन और चार्जिंग का तो फॉल्ट निकल गया, मगर ओवरलोड का फॉल्ट आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ये माइक्रो कंट्रोलर को चेक किया, तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब था, ज़्यादा केसों में होता नहीं है, मगर दोस्तों यहाँ पर जो ट्रैक थे वो आपस में शॉर्ट हुए और हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो गया। ये मेरे पास दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों, इस माइक्रो कंट्रोलर को लगाएंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, जहाँ से हमने माइक्रो कंट्रोलर इसका पुराना वाला निकाला था, वहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाने के बाद में जो हमारे ट्रैक हैं जहाँ पर ये प्लेस होगा माइक्रो कंट्रोलर, वहाँ हल्की हीट देंगे, जिससे कि हमारी जो बॉलें हैं सोल्डरिंग की, वो बॉले अच्छे से ठीक हो जाएं, और उसके बाद में हम माइक्रो कंट्रोलर को जब लगाएं तो वो बहुत सफाई के साथ लग पाए। दोस्तों, इसमें काम बहुत ही आराम से करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे हीट दे के इसकी सारी पिनें ठीक कर ली हैं, और इसके बाद में दोस्तों हम इसे लगाएंगे। लगाने का दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट है,
ये पॉइंट हमारा यहाँ से गिनती शुरू होती है 1 2 3, और ये जो कोना कटा हुआ है ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को दोस्तों सीधा ही लगाएं। कई बारी लोग क्या करते हैं, उसकी पोजीशन नहीं देखते हैं और माइक्रो कंट्रोलर लगा देते हैं और लगाते ही लगाते ख़राब हो जाता है, तो इस बात का खासा ध्यान रखें। और इसे अच्छे से सेट करके अब हम इस पे हीट देंगे। दोस्तों जो एयर का फ्लो है वो मैंने स्लो रखा है, स्लो रखने का यही है कि दोस्तों ये जो साइड में कंपोनेंट लगे हैं रजिस्टर और कैपेसिटर, ये इनको डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैंने इसे इसका जो एयर फ्लो है वो स्लो रखा है। और इसका टम्परेचर है हॉट एयर ब्लोअर का, ये टम्परेचर 450 है, 450 पे दोस्तों ये लगा रहा हूँ मैं, और बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से लग जाती है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए ये हमारा लग चुका है दोस्तों, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद में दोस्तों ये जो हमारी गंदगी दिख रही है पेस्ट की, इसे हम पेट्रोल वॉश कर देंगे। पेट्रोल वॉश करने के बाद में दोस्तों हम इसे असेंबल करके देखेंगे अपने इन्वर्टर में कि हमारा जो फॉल्ट था वो शॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ। दोस्तों 100% शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, फिर भी एक बार अब हम इसे पेट्रोल वॉश करने लगे हैं। देख सकते हैं ये मैं पेट्रोल वॉश कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से पेट्रोल वॉश करने के बाद में दोस्तों इसे हम असेंबल करेंगे इन्वर्टर में। देखिए ये वॉश हो चुका है, अब ये वॉश होने के बाद में दोस्तों इसे असेंबल करते हैं। ये असेंबल कर चुके हैं दोस्तों हम, ये वही हमारा बेंच प्रेस सप्लाई 12 वोल्ट, और इसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये ऑन हो चुका है, और ये अभी ओवरलोड पे नहीं जा रहा है, और साथ ही हम आउटपुट चेक कर लेंगे इसकी कि हमें आउटपुट मिल रही है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी आउटपुट भी आ चुकी है और ये अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up.